सो वेलकम बैक दिस साइड और विजय, और आप सभी लोगों का इस वीडियो लेक्चर सीरीज के थर्ड पार्ट में बहुत बहुत स्वागत। इस चैप्टर के रिगार्डिंग में हमने दो पार्ट पहले से अपलोड किए हुए हैं, और ऑफ कोर्स आपने अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके वॉच आउट करिएगा। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में ना, अब हम जो आगे वाले हैं ना, वो इस चैप्टर की मेन कड़ी आप मान के चल सकते हैं, और हम इसके बारे में इतना डिटेल में आपको बताएंगे कि आपको पूरी क्रिस्टल क्लियर चीज़ें हो जाए, जिससे आपको समझ में आया कि ऑफकोर्स मौर्यंस की स्टोरी है क्या, जो मौर्य साम्राज्य उसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ कैसे, और कहाँ से इसकी शुरुआत जो है हमें देखने को मिलती है। सबसे पहले तो एनसीईआरटी बताता क्या है पहले वो समझते हैं, और उससे आपको कहानी क्लियर होती चली जाएगी कि जो मौर्यंस का इतिहास है वो कैसा है। तो ऐसा मैंने आपको शुरुआती समय में कहा था कि सकते हैं कि सभी महाजनपदों में से जो मगध था वो सबसे ज़्यादा पावरफुल बोला जाता होगा, और यहाँ पर अगर मगध पावरफुल था तो यहाँ पे जो नंदा थी, नंदा वंश के जो राजा थे उनका नाम था धनानंद। उनको पहले तो फाउंडर थे पद्मानंद, और उसके बाद उनके बेटे बने जिन्हें हम धनानंद के नाम से जानते हैं, और नंदा वंश के अंदर धनानंद काफ़ी लंबे समय तक राज कर एग्जैक्टली टाइम पीरियड जब आप मैप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मेन फोकस करने वाली बात यह है कि चंद्रगुप्त ने ऐसा क्या किया, ऐसा क्या रिवॉल्ट हुआ जिसकी वजह से चंद्रगुप्त पूरी तरीके से नंदा डायनेस्टी के लोगों को हरा देता है, यानी कि धनानंद को हरा देता है। और दो मेन कारण बोले जाते हैं कि लोग नंदा डायनेस्टी के धनानंद राजा को पसंद क्यों नहीं करते थे। नंबर वन, वो पॉपुलर मोनार्क किंग हो गया था, मतलब वो अलोकप्रिय हो चुका था, और दूसरा वहाँ के राजा को उखाड़ने के लिए जनता के थ्रू चंद्रगुप्त को समर्थन मिला था। अब यहाँ पे ऐसा ये कहा जाता है कि तो वैसे तो 321 BCE के टाइम पीरियड में मौर्य डायनेस्टी को एस्टैब्लिशमेंट करता है, लेकिन इसको चंद्रगुप्त को कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या कहते हैं, सैंडोक्रोस भी बोला जाता है। सैंडोक्रोस, सैंटा क्लॉस एक जैसा नाम लग रहा है, लेकिन सैंडोक्रोस कहाँ पे बोला जाता है, क्यों बोला जाता है, उसका नाम का मेंशन कहाँ पे हुआ, वो सारी स्टोरी एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, आपको डिटेल में बताऊंगा। अब क्योंकि चंद्रगुप्त ने नंदा डायनेस्टी को हराया, तो उसके बाद पूरी तरीके से जूनागढ़ जो गुजरात के अंदर है, वहाँ के पत्थरों के ऊपर ये लिखा हुआ पाया गया था। आप ये देख सकते हो, ये उसके पोते ने लिखवाया था उस टाइम पीरियड के अंदर, और उसके बाद ये सबूत लोगों को मिला कि चंद्रगुप्त ने नंदा डायनेस्टी के लोगों को हराया और पूरे के पूरे मगध करा, और आसपास के कुछ इलाकों को भी कैप्चर करना चालू कर दिया। यानी कि पहले जहाँ 16 महाजनपद होते थे सभी के अपने राजा होते थे, लेकिन डायनेस्टी मगध के अंदर थी और उसको चंद्रगुप्त हराने वाला व्यक्ति था, तो उसके बाद तो मगध से हटी, लेकिन मगध के ऊपर एक नया साम्राज्य आ गया, उसे हम मौर्य एम्पायर बोलते हैं। और जो मौर्य एम्पायर था वो पूरी तरीके से इलाके को कैप्चर करते करते और दूसरे जगहों को भी बढ़ना चालू हो गया, और उसके बाद अगर आप देखें तो के अंदर सिर्फ इन्हीं के बारे में मेंशन करा गया है, थोड़ा बहुत कहीं कहीं बिंदुसार के बारे में बताया हुआ है, लेकिन पूरी स्टोरी क्लियर नहीं। अब मेन बात यह है कि हमारे लिए ये जो डायनेस्टी थी, मौर्यन डायनेस्टी थी, जब भी मैं कहता हूँ मौर्यन डायनेस्टी तो याद अपने दिमाग में ये चीज़ ज़रूर बना के रखना, सिर्फ यही एक ऐसी डायनेस्टी थी जो अफगानिस्तान और बलूचिस्तान और आज के अखंड भारत को बनाने वाली डायनेस्टियों में से एक थी, जिसने पूरा अखंड भारत बनाया था, और उस डायनेस्टी ने ही अफगानिस्तान बलूचिस्तान तक अपना नियंत्रण बनाया था। इन सभी डायनेस्टी में से, मतलब मौर्यन डायनेस्टी में से सबसे पावरफुल राजा अगर कोई बोला जाता है तो अशोक बोला जाता है, तो अशोक का आप देखना जरूरी है। अशोक ने पूरे भारत को जीत लिया था, लेकिन अशोक ने कहीं ना कहीं, आप ये कह सकते हैं कि अशोक ने पूरी तरीके से साम्राज्य को जीतने के साथ साथ अपने आप को इतना परिवर्तन कर लिया कि आप कह सकते हैं कि कलिंगा का जो बैटल था ना, उसकी लाइफ के ऊपर बड़ा ही मतलब इम्पैक्ट डालने वाला बैटल था, जो उसको क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं उसके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट बोला जा सकता है। दैट इज वाई कलिंगा के बारे में भी हमें थोड़ा सा जानना जरूरी है। तो आओ आप देख सकते हैं कि ये मौर्य डायनेस्टी के अशोक के टाइम पीरियड पर ये पूरा साम्राज्य
पहली बार किसी राजा ने पूरे अखंड भारत को जीता था। अब उसके बाद हमें ये सारी बातें पता कैसे चलती है, अलग अलग तरीके से अलग अलग सोर्सेस से हमें समझ में आता है कि मौर्य डायनेस्टी जो थी वो पूरी तरीके से इतनी शक्तिशाली और इतने बड़े विशाल भूभाग पर, इतने बड़े लैंड मास पे कैप्चर करने वाली डायनेस्टी बनी। चार सबूत है, अशोक के द्वारा लिखे गए पिल्ले, उसके द्वारा मेगस्थनीस के द्वारा लिखे गए इंडिका बुक, उसके द्वारा अर्थशास्त्र के द्वारा लिखे गए कुछ कौटल क्या कहते हैं अर्थशास्त्र बुक, और बुद्ध और जैन और पौराणिक लिटरेचर में भी मौर्य डायनेस्टी के बारे में मेंशन किया गया है। इतना क्रिस्टल क्लियर अगर आपको पता है तो फिर आप काफी हद तक चीजों को समझ पाएंगे। अब आती है मेन स्टोरी लाइन जो आपने समझनी है। अगर हम लोग एनसीईआरटी के हिसाब से जाएं, तो ये है हमारा चंद्रगुप्त का टाइम पीरियड कि 321 से लेके 298 बीसी के टाइम पीरियड पे ऐसा हुआ कि चंद्रगुप्त डायनेस्टी पे आता है और उसके बाद वो पूरी तरीके से नंदा डायनेस्टी के लोगों को हरा देता है। और यहाँ पर अब बीच की स्टोरी मिस है जो समझ में नहीं आती है। क्या चंद्रगुप्त को कोई पागल था चंद्रगुप्त कि उस बंदे ने क्या कहते हैं डायनेस्टी को कैप्चर करा, नंदा डायनेस्टी को हराने की कोशिश करी, ऐसा क्या कारण था? उसके लिए थोड़ा सा और पीछे जाने की हमें ज़रूरत है जिससे हमें आइडिया ना पूरी तरीके से क्लिस्टर क्लियर हो जाएगा। देखिए कैसे, अगर हम लोग जीरो से, कितने 321 साल अगर हम लोग पीछे जाते हैं, 321 में यहाँ पे ले लेता हूँ, 321 साल हम लोग पीछे जाते हैं, ये BCE है। इस टाइम पीरियड पे मौर्य डायनेस्टी पावर पे आ गई थी, ठीक है, मौर्यंस जो थे वो पावर पे आ चुके थे, यानी कि चंद्रगुप्त का टाइम पीरियड जो था वो सत्ता पे आ चुका था। लेकिन इससे और पीछे अगर हम जाते हैं तो लगभग कह सकते हैं, इसका टाइम पीरियड नहीं पता है किसी को, लेकिन एक बंदा था जिसका नाम था एलेक्जेंडर, एलेक्जेंडर द ग्रेट। ये वो बंदा था जो पूरे भारत को कैप्चर करने के लिए आया था। यहाँ से कहानी इतिहासकर्ता बताते हैं कि स्टोरी यहाँ से स्टार्ट हुई होगी। और एलेक्जेंडर जो था वो झेलम नदी के पास आके रुक गया, और झेलम नदी के पास दो स्टोरी बताई जाती है, याद रखना, दोनों स्टोरी समझाऊंगा। आप अपनी मैम को अपने सर से पूछना कि फैक्ट स्टोरी है क्या और असल में किस चीज़ पे भरोसा करना चाहिए। इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट या भारतीय इतिहासकर्ता बताने की कोशिश करते हैं कि एक बंदा था जिसका नाम था पूरी तरीके से क्या, जिसका नाम था पूरी तरीके से चाणक्य, चाणक्य बोल लीजिए या कौटिल्य बोल लीजिए, कौटल्या जो भी है, या विष्णुगुप्त बोल लीजिए, सभी नाम एक ही है, ठीक है, ये सभी नाम एक ही है। विष्णुगुप्त एक ब्राह्मण था, जैन मुनि से बोलते हैं, इसने शुरुआती समय से ही पूरे भारत का भ्रमण करा था और इसने पाया था कि अलेक्जेंडर जो यूनान का एक राजा है जो कई डायनेस्टियों को मारता हुआ, कई साम्राज्य को मारता हुआ, घेरता घूरता हुआ भारत की तरफ अग्रसर हो रहा है। और उस टाइम पीरियड पर इस व्यक्ति को पता चलता है कि मगध एक ऐसा शक्तिशाली साम्राज्य है जो उस टाइम पीरियड पर सभी राजाओं को जोड़कर अलेक्जेंडर को हराने की कोशिश कर सकता है और उसके बाद ही भारत को बचाया जा सकता है। तो फाइनली चाणक्य क्या होता है, चाणक्य जाता है पूरी तरीके से मगध के अंदर, और मगध के अंदर कौन सी डायनेस्टी थी अभी मैंने आपको बताया, मगधा के अंदर डायनेस्टी नंदा डायनेस्टी। और नंदा डायनेस्टी के राजा कौन थे, नंदा डायनेस्टी के राजा थे धनानंद, धनानंद वहाँ के राजा थे, क्योंकि भाई धनानंदा जो थे महापद्मनंद के बेटे थे। और यहाँ पे पहुँचता है चाणक्य, चाणक्य जैसे ही पहुँचते हैं चाणक्य जी धनानंद के पास, वो रिक्वेस्ट करते हैं, बोलते हैं कि एक ऐसा शूरवीर व्यक्ति जो है पूरे भारत को कैप्चर करने के लिए आ रहा है और उसने कई कंट्रियों को परास्त कर दिया है, बहुत सारे लोगों को जो भी उसके सामने आता है उसको मार देता है और पूरे भारत पे भी उसकी नज़र है। अब यहाँ पे धनानंद की स्टोरी ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि धनानंद भोग विलास में डूबा हुआ था, उसके बाद वो उस टाइम पीरियड पे जनता से जो टैक्स वसूलता था, लेकिन ब्राह्मण पंडितों को टैक्स देता था तो अपनी छवि को अच्छा बनाए रखता था, ज़्यादातर ऐसी एक्टिविटी के अंदर रहता था जो साम्राज्य के डेवलपमेंट के लिए ठीक नहीं थी। ऑल एंड ऑल आप ये कह सकते हैं कि धनानंद जो था एक ऐसा राजा था जो पूरी तरीके से किंग होने के लायक नहीं था, लेकिन चाणक्य फिर भी उसके पास आता और कहता है कि आपको सभी राजा जो 16 महाजनपदों के राजा हैं या दूसरे लोग हैं उन लोगों को कन्विंस करके कहीं ना कहीं ये बताना होगा कि हमें अलेक्जेंडर को हराने की ज़रूरत है, अलेक्जेंडर को निकालने की जरूरत है, झेलम नदी के पास आ चुका है वो और कभी भी वो भारत पार करके आ सकता है। अब कारण ये बताया जाता है कि उस टाइम पीरियड के अंदर
धनानंद ने कहीं ना कहीं जैन मुनि क्या कहते हैं आपके चाणक्य के बाल पकड़ के अपने साम्राज्य से बाहर फेंकवा दिए थे। उसके बाल खुल गए थे, चाणक्य जी के बाल खुल गए थे। और फाइनली उस दिन उसने निश्चय करा कि वो अपने बाल जब तक नहीं बांधेगा जब तक चाणक्य पूरी तरीके से नंदन डायनेस्टी को ख़त्म ना कर दे। तो एक तरीके का शराप और एक जैन मुनि यानी कि तुम्हारे कौटिल्य जी, वो तरीके से शराब जब देते हैं धनानंद को, तो उस समय तो वो वैसे भी कोई दिक्कत थी नहीं, उसे राजा था वो। फिर वो पूरे साम्राज्य में घूमता है और उसे एक ऐसा शूरवीर व्यक्ति मिलता है जैसे हम चाणक्य कहते हैं। चाणक्य 12-13 साल की उम्र में, और सर जिसे हम चंद्रगुप्त कहते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य डायनेस्टी से, मौर्य वंश से बिलोंग करता था। अब चंद्रगुप्त के माता पिता कौन थे इसके बारे में एनसीईआरटी में कहीं मेंशन नहीं है, और विकिपीडिया पे भी अगर पढ़ोगे तो प्रॉपर तरीके से फैक्ट बातें लिखी नहीं हुई है कि एग्जैक्टली यही टाइम पीरियड होगा या यही इसके राजा थे, यही इसका घर था, ऐसा कहीं कुछ मेंशन नहीं है। उसे कहाँ मिला ये भी नहीं बताया गया। हर स्टोरी अलग अलग बताती है। चाणक्य को चंद्रगुप्त सही 12-13 साल की एज में, और उस टाइम पीरियड पे वो चाणक्य को कहाँ भेजता है, वो चाणक्य को भेजता है तक्षशिला। तक्षशिला में उस टाइम पीरियड के अंदर आप कह सकते हैं के अंदर जब चाणक्य को भेजा जाता है, तो तक्षशिला के अंदर वो थोड़ी बहुत शस्त्र विद्या लेता है। छोटी सी एज थी, शस्त्र चलाना जरूरी था। और चाणक्य ने चंद्रगुप्त को चुना ही इसीलिए क्योंकि वो बंदा हट्टा कट्टा और ऑफ कोर्स सिचुएशन को हैंडल करने वाले व्यक्तियों में से एक था। तो इसीलिए तक्षशिला भेजा गया, शस्त्र और शास्त्र की विद्या कराई गई। और तक्षशिला के अंदर ही रहते रहते चंद्रगुप्त ने उसको उस टाइम पीरियड पे वहां के जो राजा थे उसकी आर्मी के अंदर उन्होंने एंट्री करवा दी। अब वहां के जो राजा थे ना, वहां के जो राजा थे, उन राजा का नाम जो था वो पौरुष या पुष, कुछ ऐसी नाम था उनका जो बोला जाता है। अब वहां की आर्मी के अंदर चंद्रगुप्त घुस गया, वहां की आर्मी में ही डिस्प्यूट करा दिया, और उसके बाद वहां के राजा को मारकर वहां की आर्मी अपने अंडर में कर ली। तक्षशिला में रहते रहते मगध के अंदर तक आने के लिए बंदे ने क्या करा, उसने मगध के आसपास अपनी आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो बिछा दी। उसने पहले तो इन्फॉर्मेशन निकाली चंद्रगुप्त ने कि उसका टाइम पीरियड क्या होता है, कहाँ पे हथियार है, अटैक करने की सही रणनीति क्या होनी चाहिए, किस किस तरीके से हम उसको अटैक कर सकते हैं, कैसे उसे परास्त कर सकते हैं। देन फाइनली एक दिन आता है, वो दिन कौन सा था, वो दिन था पूरी तरीके से 321 BC। उस दिन मौर्य डायनेस्टी एस्टेब्लिशमेंट होती है, मगध पे अटैक होता है नंदा वंश पे, और पूरी तरीके से धनानंद को मार दिया जाता है। और जब धनानंद को मार दिया जाता है तो उसकी एक सिस्टर होती है, उस सिस्टर का नाम होता है पूरी तरीके से दुर्धरा। क्या होता है? दुर्धरा। ठीक है जी, तो ये जरूर याद रखना, दुर्धरा उनका नाम होता है, और उससे चंद्रगुप्त की शादी हो जाती है। अब ये स्टोरी थी जो बताई जाती है, ज़्यादातर एक्सेप्ट स्टोरी यही बताई जाती है कि ऐसा हुआ होगा। इस तरीके से चंद्रगुप्त जब मौर्य डायनेस्टी में एस्टैब्लिशमेंट करता है, तो पूरे साम्राज्य को चलाने के लिए यहाँ पर आप कह सकते हैं जो है वो अर्थ लिखता है। अर्थशास्त्र इसीलिए लिखता है क्योंकि पूरे भारत को चलाना है, पूरे भारत को उसके विजय बनाना है। ये सबसे बड़ी एक्सेप्ट स्टोरी मानी जाती है। देन फाइनली जब एलेक्जेंडर मर जाता है, तो मगध भी कैप्चर हो गया, तक्षशिला भी कैप्चर हो गया। तक्षशिला में दोबारा वो अपनी आर्मी लेके जाता है, और उस टाइम पीरियड पे आप एक चीज़ ज़रूर याद रखना, मगध में काफ़ी लंबे समय तक उसने राज किया, उसने शादी करी, उसका बेटा हुआ बिंदुसार। क्योंकि चंद्रगुप्त के खाने में जहर मिलाया जाता था थोड़ा थोड़ा, ताकि राजा जो है हर टाइप के जहर को क्या कहते हैं अपने आप को पेशन करने के लिए तैयार रहे, और वो जहर कौटिल्य दिया करता था उसके खाने में मिला के, ताकि राजा मतलब उसका इम्यून सिस्टम, या मैं कह सकता हूँ कि सांप काट ले तो उसको दिक्कत ना हो। ये रणनीति उस टाइम पीरियड पे कौटिल्य ने बना रखी थी। लेकिन हुआ ये कि दुर्धरा ने खाना खाना शेयर कर लिया। अब दुर्धरा को जहर खाने की आदत नहीं थी, पर चंद्रगुप्त को तो थी, और चंद्रगुप्त ने जब खाना शेयर कर लिया तो चंद्रगुप्त को भी नहीं पता था कि मेरे खाने में जहर मिलाया जाता था। कारण से था, इसकी वजह से दुर्धरा की डेथ हो जाती है, लेकिन फिर भी पेट फाड़ के निकाला जाता है बिंदुसार को। बिंदुसार का नाम ही इसलिए पड़ा गया क्योंकि जहर की बूंद इसका अर्थ होता है, और बिंदुसार में पैदा होता है।
बच्चा छोटा था, लालन पोषण करना एक राजा का बेटा है, लेकिन ऑफ कोर्स अपनी डायनेस्टी को बढ़ाने के लिए चंद्रगुप्त कुछ ना कुछ तो करेगा। तो चंद्रगुप्त तो पहुंचता है तक्षशिला, तक्षशिला से अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान में उसकी लड़ाई होती है एलेक्जेंडर द ग्रेट के चीफ चीफ इन कमांडर से, और उसका नाम होता है सेलुकस निकेटर। ये ज़रूर याद रखना, इस बैटल का नाम मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि बैटल का नाम क्या है, लेकिन जब उसकी तक्षशिला के अंदर, ऑफकोर्स तक्षशिला, तक्षशिला के अंदर जब उसकी कैपिटल थी, तो उस टाइम पीरियड पे वो लड़ाई लड़ता है किससे, सेल्यूकस, सेल्यूकस से लड़ाई लड़ता है, और उस लड़ाई में वो अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों को जीत जाता है, और बार बार तक्षशिला से अटैक करता है सेल्यूकस निकेटर पे, और फाइनली रीज़न ये होता है कि सेल्यूकस फाइनली एक डील साइन करता है, वो अपनी बेटी की शादी करवा देता है हेलेना से, हेलेना की शादी करवा देता है चंद्रगुप्त से, और चंद्रगुप्त जो है उस टाइम पीरियड पे शादी कर लेता है। और कारण सिंपल सा होता है कि चंद्रगुप्त की बेटी जो है वो उस टाइम पे, वो बेटी जो कह पत्नी जो है उनकी डेथ हो चुकी है, बिंदुसार छोटा है, तो ऑफकोर्स लालन पोषण के लिए हेलेना सही रहेगी। के साथ उस टाइम पीरियड पे हेलेना के साथ कौन आता है, हेलेना के आता है मेगस्थेनेस, और मेगस्थेनेस एक ग्रीक एम्बेसडर था जो हेलेना के साथ आता है। और चंद्रगुप्त के टाइम पीरियड में वो साम्राज्य वो कैसा था, कहाँ कहाँ पे क्या क्या होता था, सब कुछ लिखने वाला बंदा जो था वो मेगस्थेनेस था, इसलिए उसने इंडिया के ऊपर बुक लिखी थी, और इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, मेन सोर्स ऑफ टू अंडरस्टैंड द मौर्यन एम्पायर। तो इंडिका बुक इस तरीके से हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनी। अब चंद्रगुप्त काफ़ी लंबे समय तक सत्ता में रहता है, चंद्रगुप्त बहुत सारी बैटल लड़ता है, और उस टाइम पीरियड पे मेगस्थेनेस सब कुछ नोट करता है, सब कुछ राइट डाउन करता है। अब मेगस्थेनेस ने जो चीज़ें राइट डाउन करी, जो चीज़ें लिखी, उसको एनसीईआरटी के अंदर बताने की कोशिश करी गई है। जैसे कि मेगस्थेनेस ने ये बताया उस टाइम पीरियड पे, मैं देखो दिखाता हूँ। हाँ, मेगस्थेनेस कि उस टाइम पीरियड पे क्योंकि 18 16 महाजनपद थे, तो 16 महाजनपद में से पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन, तोशिली और स्वर्णगिरी मेन पॉलिटिकल सेंटर हुआ करते थे, और उस टाइम पे पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत अलग था। मतलब ज़्यादातर इलाकों में जो गवर्नर बनाए थे वो कहीं ना कहीं मौर्य डायनेस्टी के रॉयल प्रिंसेस होते थे, उनके खास होते थे, और ऑफकोर्स उस समय जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन था, जैसे कि न्यायिक पद्धति थी उस टाइम पीरियड पे, क्या कहते हैं, रेवेन्यू के लिए अलग डिपार्टमेंट था उस समय, ब्यूरोक्रेसी जो राजा की नौकरशाही प्रणाली होती है वो भी थी उस टाइम पे, टैक्स सिस्टम भी काफ़ी अच्छी तरीके से मजबूत था और हर जगह से टैक्स लिया जाता था उस टाइम पीरियड पे। ये भी बताया जाता है कि हर किसी काम के लिए कमेटी और सब कमेटी होती, मतलब मान लीजिए कि किसी राजा को अटैक करना है तो कमेटी, एक कमेटी का काम होता था किस तरीके से हॉर्स को तैयार करना है, उससे छोटी कमेटी का काम होता था कि सैनिकों को खाना या सही तरीके से आर्मी को लेके जाना, सही तरीके से बमों को लेके जाना, हर किसी की एक अलग अलग कमेटी होती। ये कमेटी चंद्रगुप्त के जो मैं कह सकता हूँ ग्रीक एम्बेसडर मेगस्थेनेस, उसने इस चीज़ को काफ़ी अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करी, विच इज़ ऑल्सो नॉट एक्सप्लेन इन एनसीईआरटी। ये ज़रूर याद रखना, एनसीईआरटी में ऐसे नहीं बताया गया, आपको नॉर्मल पैराग्राफ में दिया गया, बट आपको मैंने इसको समझाने की कोशिश करी। अब क्योंकि चंद्रगुप्त जो था उसकी डेथ हो जाती है, चंद्रगुप्त की हो जाती है डेथ, तो दोस्तों चंद्रगुप्त की जब डेथ हो जाती है ना, तो फिर आप चौथा एक कारण ये बोल सकते हो कि चंद्रगुप्त के मरने के बाद बिंदुसार, और बिंदुसार के इतिहासकर्ताओं में बताते हैं 100 बेटे, 100 बेटों में से सभी बेटों को मारने के बाद आता है अशोक, और अशोक का जो टाइम पीरियड था वो पूरे भारत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट था। अशोक ने बहुत सारी बैटल लड़ी, अशोक ने पूरी तरीके से साम्राज्य को बहुत अच्छी तरीके से बनाने की कोशिश करी, और सेम एडमिनिस्ट्रेशन उस टाइम पीरियड पे भी काम करता था जैसा बिंदुसार और चंद्रगुप्त के टाइम पीरियड करता था। लेकिन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि अशोक की सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि वो हर चीज रॉक के ऊपर और के ऊपर और स्टोन्स के ऊपर लिख दिया करता था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही। लेकिन उसकी लाइफ में कलिंगा बैटल एक ऐसा बैटल था जिसकी वजह से उसका पूरी तरीके से हृदय परिवर्तन हो गया। अब हृदय परिवर्तन क्यों हुआ वो आपको पता चल गया होगा कि उसने 1 से 1.5 लाख लोगों को मार दिया था 261 BCE के टाइम पीरियड में, 261 BCE के टाइम पीरियड में अशोक को अशोक ने मार दिया था, और इसकी वजह से उसने एक धम्मा प्रिंसिपल बनाए थे जिसमें हमें सभी का सम्मान करना चाहिए, ब्राह्मणों को इम्पोर्टेंट देनी चाहिए, और उसके बाद सर्वेंट्स को, गुलाम को, उनके प्रति दयालु रहना चाहिए, सभी धर्मों को
इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए। और इसको फैलाने के लिए उन्होंने एक ऑफिसर बनाया जिसको हम क्या कहते हैं, महामत्ता। महामत्ता एक ऑफिसर बोला जाता है, इवन ऐसा कहा जाता है उसने। और एडमिनिस्ट्रेशन काफी अच्छा भी चल रहा था। अशोक ने इस धम्मा को, धम्मा एक तरीके का सिद्धांत है, कोई धर्म नहीं है लेकिन ये सिद्धांत था, इस धम्मा को फैलाने के लिए अशोक ने पूरी तरीके से अपने बेटी बेटियों को भी क्या कहते हैं कहा कि तुम बैटल नहीं लड़ोगे, तुम किसी इलाके के अंदर अटैक नहीं करोगे, तुम बस धम्मा को प्रचार करो उसका। इसीलिए महिंद्रा और संगमित्रा दो बच्चे जो थे वो श्रीलंका गए बुद्ध धर्म का या इस धम्मा का प्रचार करने के लिए, क्योंकि वो बुद्ध धर्म से काफ़ी प्रेरित हो गया था। याद रखना चंद्रगुप्त जो था वो जैन धर्म को मानता था, क्योंकि चाणक्य जो था वो जैन धर्म से बिलोंग करता था, लेकिन जो अशोक है वो बुद्ध धर्म को ज़्यादा मानता था, इसलिए उसने धम्मा बनाया। इस हिसाब से जो चौथा सबसे बड़ा रीज़न बोला जाता है, इस हिसाब से चौथा सबसे बड़ा रीज़न बोला जाता है कि अगर हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानना है तो अशोक के पिल्लर बड़े काम आते हैं, क्योंकि उन सब चीज़ों के ऊपर काफ़ी कुछ लिखा गया है। तो ये थोड़ी सी इम्पोर्टेंट बात थी जो आपने समझनी है। और यहाँ पे तो जो समझने वाला व्यक्ति होना चाहिए जब भी हमारे को ज़्यादा समझ में आता है। तो अशोक की लाइफ में जो बैटल ऑफ कलिंगा था उसके ऊपर मैंने स्पेशल वीडियो बनाई है कि कारण और परिणाम क्या हुए, कौन कौन सी थ्योरी क्या क्या बनाती है, क्या क्या बोलती है, वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बता दिया है, आई बटन पे भी आपको। तो कलिंगा का वॉर उसकी लाइफ के लिए इसलिए ज़रूरी था, इसलिए इसके बारे में प्रूफ हाथी गुफा एलिफेंट कैप जो भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर है, क्योंकि कलिंगा वहीं पे है, उसके अंदर काफ़ी कुछ लिखा गया है, तो आपको वहाँ पे काफ़ी कुछ मिल जाएगा। ये अशोक का जो धर्म परिवर्तन था ये एक दिन में नहीं हुआ था, बहुत समय लगा था। और इसीलिए हमारे इतिहास के लिए एक लैंडमार्क ये है कि जो मौर्य डायनेस्टी है वो सभी एम्पायर में से बहुत इंपॉर्टेंट है। 150 साल तक ये डायनेस्टी रही और इसने बहुत सारे पिलर्स बनाए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाई जो हमारे इतिहास के लिए बहुत ज़रूरी है। यही एक डायनेस्टी थी जो अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, आंध्र प्रदेश कोने कोने फैली हुई थी, और इस डायनेस्टी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ इतिहास में प्रेजेंट टाइम में इस डायनेस्टी का कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत तगड़ा है। अशोक चक्र, सत्यमेव जयते, तीन शेर वाले जो शेर थे वो, मुंडका उपनिषद, क्या कुछ नहीं है। तिरंगा के अंदर जो चक्र लगाया गया है वो, अशोक चक्र के हमने पोज दिए वो, ये सब मौर्य डायनेस्टी से संबंधित है, दैट इज़ वाई हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई होप आपको क्रिस्टल क्लियर समझ में आया होगा कि ये चीज़ है क्या। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में इतना ही आप लोगों के जानने के लिए, नेक्स्ट पार्ट में जल्दी मिलेंगे। मौर्य डायनेस्टी से रिलेटेड मैंने सब कुछ बताने की कोशिश करी है, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। दिस इज इट इज वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।